हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। गरीबी से लड़कर वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करने वाली लड़की आज इंडिया के फेमस वेट लिफ्टर्स में से एक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बनी मणिपुर की मीराबाई चानू की। पर सफर इतना आसान नहीं था। 2016 रियो ओलंपिक्स में उन्होंने सबसे बड़े फेलियर को फेस किया था, जब वो एक भी क्लीन लिफ्ट नहीं दे पाई। उस वक्त वो बहुत रोई, पर उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वो और मेहनत करेगी और अगली बार देश के लिए मेडल लेकर आएंगी। आइए सुनते हैं उनकी सुपर मोटिवेशनल बायोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीराबाई का जन्म इम्फाल मणिपुर में 8 अगस्त 1994 को हुआ। उनकी मदर चाय बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। मीराबाई को परिवार में हैवी वेट लिफ्टर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बहुत भारी लकड़ियां बहुत आसानी से उठा लेती थी, जो कि उनके भाई भी नहीं उठा पाते थे। और वहीं से उनकी फैमिली को उनकी पोटेंशियल के बारे में पता लगा और उन सब ने मिलकर मीराबाई के वेटलिफ्टर बनने के सपने को फुलफिल करने में फुल सपोर्ट किया। उनका इंटरेस्ट वेटलिफ्टिंग में बचपन से ही था। उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल 11 साल की उम्र में लोकल वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में जीतकर प्राप्त किया था और वहीं से वो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी। बचपन से ही मीराबाई ने अपना आइडल इंडियन वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी को माना और उन्हीं की तरह मेहनत करने लगी। ट्रेनिंग के दौरान मीराबाई ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि 5 साल लगातार ट्रेनिंग, जीरो मोबाइल यूसेज, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। वो 2 साल तक घर भी नहीं जा पाई। पर कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स से ही मीराबाई चानू ने अपना पोटेंशियल इंटरनेशनल स्टेज पर दर्शाना शुरू कर दिया, जब उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही 48 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। 2017 एनाहिम यूएसए में हुए वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया की शान बढ़ाने वाली वो पहली इंडियन वेटलिफ्टर बनी। 2018 चानू के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उस साल वो बैक इंजरी से जूझ रही थी और अपने इवेंट से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। आपने ये तो सुना ही होगा, इफ यू अटैक आवर प्रॉब्लम्स विद डिटर्मिनेशन वी शैल सक्सीड। डिटर्मिनेशन से फुलफिल्ड चानू अपनी प्रॉब्लम्स को हराकर अपनी सक्सेस जर्नी पर चलती रही। अपने डिटरमाइंड गोल्स की वजह से उन्होंने 2019 में थाईलैंड में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक रिमार्केबल कमबैक किया। उस साल का इवेंट उनके करियर का स्पॉटलाइट ईयर था, क्योंकि उस साल उन्होंने 200 केजी की वेटलिफ्टिंग कर अपना पहला रिकॉर्ड बनाया था। 2021 ताशकंद के एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 49 केजी क्लीन और 119 केजी जर्क की वेटलिफ्टिंग में एक और नया रिकॉर्ड बनाया। अपनी इस माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ब्रॉन्ज मेडल ऑफ एशियन मीट भी दिया गया। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भी मीराबाई की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही और वो सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली इंडियन बनी। इस ग्रेट अचीवमेंट के बाद वो अपने घर 2 साल बाद गई और एक नॉस्टैल्जिक पिक्चर शेयर कर सबके साथ अपना स्ट्रगल शेयर किया। उन्होंने कहा, ये स्माइल मेरे फेस पर आज इसलिए है क्योंकि मैंने अपने घर का खाना बहुत मिस किया और उसे 2 साल बाद चककर मैं बहुत रिलैक्स और खुश फील कर रही हूँ। ऐसी स्ट्रगलिंग जर्नी से हमें प्रेरणा देने वाली चानू आज वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी बन गई है। चानू का ये कहना है, इट टेक्स एफर्ट, इंक्लूड्स इंजरीज, एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, बट द पाथ टू सक्सेस वॉज नेवर इजी फॉर एनीवन। और अपने स्ट्रगल से उन्होंने सभी को प्राउड फील कराया। एक डिटरमाइंड एथलीट होने की वजह से मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह जी ने उन्हें 2 मिलियन रुपीज के कैश प्राइज से सम्मानित किया। 2018 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन स्पोर्ट्स ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से नवाजा गया। चानू ने टोक्यो में हुई बेहतरीन जीत के बाद कहा, हमारे कंट्री में वेट लिफ्टिंग एक लॉन्ग टर्म करियर नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस जीत से देश की युविकाएं प्रेरित हुई होंगी और मेरी जीत से उन सभी को देश के लिए मेडल्स लाने के लिए मोटिवेशन मिली होगी। हम आशा करते हैं कि वो ऐसे ही मेडल्स लाती रहें और अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन करती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।